आज अगर एक पार्टी सोच रही है कि उसे भविष्य की नीति क्या बनानी चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज क्या बनती दिख रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और चुनौती के रूप में आज कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आप भारतीय जनता पार्टी के समय खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्या वाकई में यही चुनौती है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम चीजें कर सकती है? तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर जी। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। पूरे देश में आज एक हवा सी है, अगर देखा जाए आप कह सकते हैं कि शायद पत्रकारों की वजह से ज्यादा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश की है और ऐसा वो दावा भी करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी आ सकता है अजय जी, लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि दिल्ली में सबसे अधिक जीते हम, 32 सीटें हैं। राजस्थान में हमें 3/4 बहुमत मिला। 21 सीट पर कांग्रेस सिमट गई, जो 77 की हवा में भी कांग्रेस खैर इतनी खराब नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार 2/3 बहुमत से आए। छत्तीसगढ़ ऐसे कठिन राज्य में रमन सिंह तीसरी बार जीते, तो आप तो हमें ऐसा दिखा रहे हैं मानो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये तो आपका आपकी सोच है, आम आदमी पार्टी आई है। ब्रॉन्ज मेडल की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज मानस पटल पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मुद्दों को लेकर आगे आ रहे हैं और लोग उनसे जुड़ते हैं, अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की सभाओं में जो आज भीड़ उमड़ रही है, जो लोग उनसे बातें कह रहे हैं, जो अभिव्यक्ति आपको इंटरनेट और तमाम जगहों पर मिल रही है, एक जमाने में वही नरेंद्र मोदी के लिए मिला करती थी, लेकिन आज चर्चा ये हो रही है कि शायद नरेंद्र मोदी का रथ रुकता दिख रहा है क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल नाम का मफलर पहना पहलवान मैदान में खड़ा हो गया। देखिए, पहली बात आपको बताएं, शिवराज सिंह चौहान की सभा में भीड़ आपने देखी है क्या? और आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक कमाल का काम किया है, तो क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की जनता ने कि हम कृपा से आए हैं कि आपकी कृपा से आए हैं? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है जी, लेकिन मेरा कहना आपसे क्या है कि जिस तरह से ये बातें पेश की जा रही हैं, अब बीजेपी के 3 करोड़ मेंबर्स हैं, अब वो 1 करोड़ हो रहे हैं तो हेडलाइन हो रहा है, ठीक है उनकी सरकार, लेकिन आप इसमें वक्त देखेंगे ना, बीजेपी के 3 करोड़ मेंबर पिछले करीबन 17-18 सालों में या उससे भी ज्यादा, अभी जो मेंबरशिप हुई है उसमें हुए हैं जो अध्यक्ष बने राजनाथ जी, गडकरी जी के बाद, पहली बात। दूसरी बात, वो बने हैं कांग्रेस की भ्रष्ट बैसाखी पर। सबसे बड़ी परीक्षा होगी, अभी तो नए हैं ना, महीना भर भी नहीं हुआ है, कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले में, बाकी घोटालों में, जो पूरे जल बोर्ड की मीटर के खरीदारी में जो घोटालों की बात आई है उसमें क्या कार्रवाई करेंगे जी। देखिए, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने सबसे बड़ा आंदोलन किया था उसकी बैसाखी पर आप आए हैं। वो कह सकते हैं कि हमने जनता से पूछा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वो उनकी बात है जी। लेकिन अपने नैतिक राजनीतिक दावों के पैमाने पर उनका अपना शासन कितना खरा उतरता है ये उनको दिखाना है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। भारत की राजनीति को देखते हुए मुझे काफी दिन हो गया, मैं संघ का स्वयंसेवक बना था जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था और मैं फर्स्ट ईयर में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर बना था, सक्रिय बना था, जेपी मूवमेंट बाकी। ये देश बहुत बदल गया है, काफी फेनोमेना आए, और मैं चाहता हूं कि न्यूज नेशन के दर्शकों के सामने ये बहस मैं छेड़ू। एक समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आई थी जी, उसमें कौन नेता थे, जेपी, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत प्रद्वधन, नाना साहब गोरे, अशोक मेहता, सब 1000 पेज की किताब एक महीने में लिख दिया करते थे, वो पार्टी बिखर गई। जेपी मूवमेंट आया, जेपी मूवमेंट हमें बहुत सौभाग्य है कि लोकनायक जेपी के साथ काम करने का अवसर मिला जी, वो बिहार के बाहर नहीं चमक सका, गुजरात के बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जुटी, वीपी सिंह आए, प्रफुल्ल महंता आए। तो इतिहास का सबक बहुत स्वस्थ नहीं है, फिर भी मेरी केजरीवाल को शुभकामना है, अब काम करके दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं, और भ्रष्ट कांग्रेस की बैसाखी पर कितने दिन टिकेंगे ये भी दिखाएं। रवि जी, लेकिन यहां एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा आदमी जो कि 1.5 साल पहले तक देश में एक आंदोलन के तौर पर ही अपने आप को पेश कर रहा था, आंदोलनकारी के तौर पर सामने था, आज न सिर्फ एक नेता के तौर पर सामने है बल्कि लोगों को अपनी ओर न आकर्षित ही नहीं कर रहा, उन्हें एक रास्ता भी दिखा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी उपलब्धि है अरविंद केजरीवाल की? ये लोकतंत्र की उपलब्धि है, पहली बात। दूसरी बात,
उनको मैंने पब्लिकली उनकी शुभकामना दी है कि दिल्ली में जो उनकी विजय हुई है तो यहां अन्ना के आंदोलन ने बहुत बड़ी जमीन तैयार की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपना 2 साल में काम प्रकट किया तो दिल्ली के नतीजे सामने आए हैं, वो हम सबके सामने में है। और मैं इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है जी। लेकिन फिर मैं आपसे एक बड़ी बात, आपने कहा नरेंद्र मोदी का रथ रोक लेंगे, कतई नहीं। चलिए ये आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन तमाम अन्य राजनीतिक दलों को अभी इस तरीके से हाशिए पर रख देना शायद बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक जो विकल्प की बात आती है, विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी आज हर राजनीतिक दल के सामने खड़ा है। और ये बात जो बार बार हो रही है कि नरेंद्र मोदी को रथ को क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल रोक सकते हैं, हमने अभी एक सर्वे किया था, बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं था, 2143 लोगों से हमने 10 शहरों में बातचीत की थी और उसमें एक बात निकल कर आई, अभी भी 45% लोग इस सर्वे के हिसाब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 26% लोग अरविंद केजरीवाल में भी प्रधानमंत्री पद की एक झलक देख सकते हैं। इसमें क्या आपत्ति है? तो जाहिर सी बात है, यानी कि आप देखिए एक व्यक्ति एक साल के भीतर जीरो से अगर 26% पहुंचता है, मैं अगर इसे सिंपल गणित लेकर चलूं तो ये एक संकेत तो है ही। मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं। पहली बात, ये मीडिया का असर है। वो मीडिया तंत्र की जितनी आलोचना करें, मुझे टीवी पर आते हुए आप लोगों की कृपा से 10-12 साल हो गए, लेकिन जितना पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में आए हैं उतना आने के लिए मुझे कई जन्म लेना पड़ेगा। तो मीडिया की बात पहुंचती है, लोग देखते हैं, लेकिन आप कृपया करके दिल्ली के इस क्षणिक भाव से देश के मानस को न टटोले। मैं फिर कह रहा हूं, देश नरेंद्र मोदी जी की ओर क्यों देखता है? 45% आपने बताया जी, बिल्कुल। उनकी ईमानदारी, उनका सुशासन, उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड, और जो बोलते हैं तो गुजरात में वो दिखाई पड़ता है। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के लिए 15 दिन भी नहीं हुए हैं और हिंदुस्तान में उनकी पार्टी को, मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं गुवाहाटी में था ना जी। तो हमारे 3 करोड़ हैं तो अजय जी की नजरों में कभी नहीं आते हैं, वहां 100 वकील ज्वाइन कर लिए तो बोल्ड हेडलाइन है, तो ठीक है, वो आपका अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जरूर चलाइए। लेकिन देश जब वोट देने का वक्त आएगा अजय जी, तो हिंदुस्तान ऐसे बड़े विविधता से भरे देश में वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे फेनोमेना पहले प्रफुल्ल महंता के भी हुए थे, मैं कल ही गुवाहाटी में था, बीपी सिंह का हुआ था, तो उन्हें देखा क्या हुआ। राहुल गांधी को आजकल किस तरीके से आंक रही हैं आप? तो हमेशा मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं और राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब अपनी पार्टी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और इसमें साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस एक बढ़िया चुनौती आप लोगों के लिए पेश कर सकती है? राहुल गांधी के बारे में मेरी धारणा शुरू से रही है कि इस सरकार में नंबर एक नेता है सोनिया जी, नंबर दो है राहुल गांधी, नंबर तीन है मनमोहन सिंह। और उसका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उन्होंने एक बार नॉनसेंस कहा उस ऑर्डिनेंस को अपराधियों के बारे में और कैबिनेट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया। देखिए, राहुल गांधी जी प्रचार करते रहे, यूपी में भी किया, बिहार में किया है, गुजरात में किया, अभी दिल्ली में किया कि जहां उनकी कुर्सी पर लोगों को बिठाने के लिए शीला दीक्षित को हाथ जोड़ के आना पड़ा, राजस्थान में किया, एमपी में किया, छत्तीसगढ़ में किया। देखिए, राहुल गांधी पिछले 8-9 साल से जब से वो एमपी हैं, मैंने अभी तक उनका कोई प्रामाणिक भाषण नहीं सुना है एमपी के रूप में जी। सुनने की कोशिश कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी के बारे में अभी तक उनके गवर्नेंस रिकॉर्ड, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के रिकॉर्ड को देश को देखना बाकी है। अब चुनाव होगा तो राहुल गांधी 2G पे खामोश रहते हैं, महंगाई पे कुछ नहीं बोलते, कॉमनवेल्थ पे कुछ नहीं बोलते, कोयला घोटाले पे खामोश रहते हैं, आदर्श पर बोलते हैं और उनकी सरकार सारे नेताओं को बचा ले जाती है। तो देश की जनता ये सब देखती है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। मुझे लगता है कि देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस तरह से मैं तो एक सवाल और करूंगा, वाड्रा जी के बारे में कभी कुछ बोले हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, वही अगला सवाल मेरा यही था कि वाड्रा जी को लेकर जो आपने एक सवाल उठाया था अशोक गहलोत साहब से, तो क्या ये सवाल आप वसुंधरा जी के सामने रखेंगे कि भाई उनकी जांच कहां तक जाएगी? जानकारी के लिए हम लोग रख चुके हैं कि 4-5 सीनियर एमपी लोग जी, और जिस तरह से जमीन की खरीदगी हुई है और जिस तरह से तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार और हुदा की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को सत्ता का दुरुपयोग कर मदद की है और ईमानदार पदाधिकारी अशोक खेमकाचलों को तंग किया है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैंने आज तक मैंने भी नहीं सोचा कि 3 साल में कुछ लाखों की का पैसा एकाएक 200-300 करोड़ में बदल जाता है।
ऐसा बिजनेस तो भारत के हर को करना चाहिए। तो ये सत्ता का भयंकर दुरुपयोग है जी, और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए मदद की है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही कुछ बातें तो आपके कर्नाटक में भी निकल कर आ रही है। येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप काफी बड़े पैमाने पर लगते ही रहे, लेकिन आपने उन्हें पार्टी में जगह दी, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? इसमें कोई दोहरा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर आपने देखा होगा कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दें, इसकी घोषणा मैंने ही की थी जी। येदियुरप्पा जनसंघ के समय से बीजेपी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो बड़े नेता है, फिर भी उनके खिलाफ आरोप लगे, लोकायुक्त का केस हुआ, हमने कहा आप इस्तीफा दीजिए, लेकिन आपने पैर बहुत खींचा उसमें, सवा साल से भी ज्यादा का वक्त लिया आप लोगों ने। जिस दिन FIR हुआ आपने किया, अब एक मिनट थोड़ा सा, आप एक होता है कैंपेन, एक होता है जिस दिन FIR हुआ उसके नेक्स्ट डे उनको कहा इस्तीफा दीजिए। आज वो FIR क्वाश हो गया है, आपकी जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, आपने भी सुना होगा वो FIR क्वाश हो गया है, लेकिन आज वो ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में आए हैं, बिना किसी शर्त पर आए हैं, और उनका उनकी शर्त यही है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन एक टेंटेड आदमी को, और खास करके जिसकी वजह से आपकी सरकार पर काफी असर भी पड़ा, और कर्नाटक का चुनाव एक बुरे अगर देखा जाए तो आपने हारा भी उस वजह से। हम हारे इसलिए कि उनसे अलग भी थे, बिल्कुल एक मिनट, लेकिन एक बात समझिए, मैं फिर कह रहा हूं जी, आज की तारीख में हमने कार्रवाई किया, वो रिजाइन किए, अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, हम हार गए तो जनता के सामने हमने उसका पॉलिटिकल कॉस्ट अजय बाबू दिया है। जब उन्होंने खुद कहा कि हम बिना शर्त आने को तैयार हैं, तो उनको लिया है बिना किसी पद के लिए। कांग्रेस भी तो यही करती है, उनके मंत्रियों पर, पवन बंसल पर और तमाम अन्य मंत्रियों पर जब दाग लगे तो उन्होंने उनको किनारे कर दिया, तो क्लीन चिट तो आपको कांग्रेस को भी दे देनी चाहिए। कमाल करते हैं आप, अभी आपने देखा आदर्श घोटाला में, हम कहते हैं PM जवाब दे 2G में, और आप ये पूछते हैं, मैं 2G का मेंबर रहा हूं, JPC का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, कितनी शर्मिंदगी से श्रीमान चाको साहब ने एक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, अधिक JPC के चेयरमैन के रूप में, जो बेईमान रिपोर्ट दी है कि हमारे डिसेंट को भी उन्होंने एडिट कर दिया, अब क्या बात कर रहे हैं। नहीं लेकिन देखिए रवि जी, इसमें यही एक मसला आ जाता है, आज अगर आप पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर आक्षेप करते हैं तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और तमाम बातों को सामने रखते हैं और येदियुरप्पा को भी सामने रखते हैं, आपके लिए क्या मजबूरी थी येदियुरप्पा को? नहीं, ये मैं फिर कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए येदियुरप्पा ऐसा बड़ा नेता बिना शर्त सहयोग देने की बात करता है जिसने पार्टी, और हम उसको कोई पद नहीं दे रहे हैं, तो ये कहना उचित नहीं। और क्षमा करिए, जो आप बार बार आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं, और जो भ्रष्टाचार की बैसाखी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयारियां आप लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो चुनावों के बाद से जरा मोदी जी जनता के बीच में कम जा रहे हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति है, या आप लोग आंकना चाह रहे हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, किस तरीके से चीजों को निर्धारित करता है ताकि उसके हिसाब से आप अपनी जवाब दें? पहली बात है अजय बाबू, आप आम आदमी के महिमा मंडल से थोड़ा सा बाहर निकलिए, मैं देख रहा हूं जब से बात कर रहे हैं तो आप आम आदमी से बहुत प्रभावित हैं, मैं आपके उस प्रभाव का सम्मान करता हूं, लेकिन उसे व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित नहीं हूं, खरी खरी कांग मत बनाइए। रवि जी मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं हूं, लेकिन हां लोगों के दिमाग में, देखिए एक पत्रकार के तौर पर यह हमें मानना पड़ेगा कि आज आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। मैं समझ गया, तो फिर इस इंटरव्यू को फिर आम आदमी पर ही कर दीजिए, मैं पूरी बात करने को तैयार हूं। तो कहना यह है कि मैं कहूंगा कि आप काफी प्रभावित लग रहे हैं, चलिए देश की जनता अलग सोचेगी। चलिए देखिए, हमारा खाली कहना यह है कि चुनाव तो रणनीति का पाठ है, मोदी जी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह गए, और उनके प्रोग्राम गुवाहाटी के हैं, उनका प्रोग्राम बंगाल का है, उनका प्रोग्राम आपके बिहार में और जगह बनने की बात हो रही है, फिर चुनाव का अभियान चलेगा, यूपी में वो जाने वाले हैं 3-4 जगहों पर, तो वो उनका क्रम है। लेकिन ये भी सवाल आपका कुछ मुझे अजीब लगता है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो आप कहेंगे मोदी जी अपने को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं, ये भी हम देखते हैं मीडिया में, मोदी जी का कार्यक्रम अगर थोड़ा सा ब्रेक होता है स्ट्रैटेजी के लिए बाकी के लिए तो मोदी जी जा क्यों नहीं रहे हैं, तो चित भी पट ये तो नहीं चलेगी ना हमारी बात। देखिए एक बात मैं आपसे कहूंगा आज, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, मोदी जी के बारे में मीडिया और कुछ लोगों का जो एक धारणा है उसके बारे में थोड़ा पुनर्विचार करिए। आपने अभी कहा कि 45% लोग उनको लोकप्रियता में सबसे अधिक मानते हैं, बिल्कुल, इतना सर्वे आप लोगों ने कराया, हर बार वो देश के टॉप मैन PM पोस्ट के लिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मैं उनके खिलाफ एक पूर्वाग्रह देखता हूं। नहीं, किसमें देखते हैं? मुझे अपनी बात
मीडिया में देखता हूं, कुछ लोगों में देखता हूं, और इसका प्रमाण है कि आज भी 2002 का हल्ला, जबकि एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दिया, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, और ये लोग मुजफ्फरनगर पर शांत रहते हैं जहां लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं रिलीफ कैंप में। नहीं, हम नहीं शांत रहते। मैं, आप नहीं रहते, मैं आपके जमात की बात कर रहा हूं, मैं झोले वालों की बात कर रहा हूं, मैं लिबरल थिंकर्स की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली में रहने वाले बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं, मुंबई में, जो आज तक क्षमा करिए कुछ लोग मुजफ्फरनगर पर शांत रहते हैं। और ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज होनी चाहिए। जिस तरह से सेफई में डांस हुआ और बच्चे मर रहे थे और उनके मुंह से उफ नहीं निकली, अगर इसका एक तिनका भी गुजरात में हुआ होता तो लोग तूफान खड़ा कर देते। नहीं, ये सवाल हमने कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखा, रवि जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कई बार ये सवाल रखा कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए अलग पैमाना और अखिलेश यादव के लिए। ये आपको मुलायम सिंह से नहीं पूछना है, ये आपको उन लोगों से पूछना है। और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं जिनकी इंडस्ट्री है नरेंद्र मोदी का विरोध करना पिछले 12 साल से, देश में और विदेश में। ऐसे कुछ लोग कौन आपको लगते हैं? मैं किसी का नाम लेकर उनको सम्मान नहीं करूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट में हारे, वो जनता के सामने हारे, वो कोर्ट के सामने हारे, लेकिन हमारी पीड़ा इस बात की है कि इतना कुछ होने के बाद भी एक पूर्वाग्रह। नरेंद्र मोदी के लिए पूर्वाग्रह क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए क्यों? आडवाणी जी के लिए क्यों नहीं? और बाकी तमाम अरुण जेटली के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल, फिर मैं आ रहा हूं जी। क्योंकि कुछ लोगों की एक इंडस्ट्री है जी, समझ गए आप? क्या 2009 में आडवाणी के खिलाफ नहीं था? ये वो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी की बढ़त से खुजली होती है, परेशानी होती है, ये दुराग्रह है। लेकिन हमारा क्या विश्वास है? ऐसे लोग के वर्षों से कैंपेन के बावजूद हम बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। लेकिन आज आपके चैनल पर यह विषय आया जी, इसलिए मैंने आपके दर्शकों के सामने ये विषय बहस के लिए प्रवोक किया है कि जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं जी, प्रायोजित रूप से उनके मानस हैं मुलायम सिंह के भ्रष्टाचार पर, मुजफ्फरनगर के दंगों पर। खामोश रहो जहां बच्चे मरते हैं और लोग नाच देखते हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करो, ये जानना बहस में बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मुद्दा लेकर आप कांग्रेस के सामने क्यों नहीं खड़े होते? असम में जब जिस तरीके से हिंसा हुई थी उस वक्त भी छोटी मोटी, क्षमा करिए, खूब हम बोल रहे हैं जी, ये तो आपसे चर्चा नहीं की तो बोल दिया। ये क्षमा करिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोई बोलने का अधिकार है? भिवानी, मेरठ, मलियाना, बिहार के भागलपुर में राइट हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ किया था उन्होंने? अभी मैं आसाम में जाके देखिए, जो कोकराझार में संघर्ष हुआ, वहां जो हमारे बड़े लोग मारे गए, जो बाकी आसाम में दंगे हुए हैं, तो कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं जी। राजीव गांधी ने कहा था ना 84-85 में, बिल्कुल, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने माफी भी मांग ली उसके लिए। यहीं पर आके बात अटक जाती है कि लोग ये पूछना चाहते हैं। अच्छा क्या आपने सवाल पूछ दिया, ये बहस आज होने दीजिए, चाहता हूं उसको बताता हूं जी। मनमोहन सिंह उस समय एक ब्यूरोक्रेट थे जी, वो पॉलिटिशियन नहीं थे जी, नंबर एक। और ये कौन सा माफीनामा है? मेरे सामने संसद में उन्होंने माफी मांगी थी और उनकी सरकार सज्जन कुमार को पूरा समर्थन करती है बचने के लिए दिल्ली में, लेकिन माफी तो मांगी। देखिए रवि जी, यहीं पर बात आती है। अजय जी शांत रहिए, एक मिनट मुझे बोले दीजिए आप जी। एक दिखावे के लिए माफी मांगना और मनमोहन सिंह की दिल्ली की पूरी सरकार और सीबीआई का सज्जन कुमार को बचाना, जिस पर कोर्ट की तलख टिप्पणी, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रायोजित कैंपेन, और सुप्रीम कोर्ट के 9 एसआईटी के द्वारा कहना उनको 9 घंटे के पूछताछ के बाद कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अंतर है। लेकिन एक परसेप्शन बना ना वहां पर, देखिए अगर आज इस पर खुलकर बात हो रही है ना रवि जी, अब देखिए अगर खुलकर ही बहस हो रही है, एक परसेप्शन बना मोदी जी के बारे में। मोदी जी को हम लोग बहुत लंबे अरसे से जानते रहे, आप तो खैर उनके साथ लगातार रहे, लेकिन मैं भी उनको करीबन 20 साल से जानता हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि एक परसेप्शन बना उस दंगे के दौरान कि वो सत्ता पर रहे, प्रायोजित तरीके से वहां पर चीजें की गई जिसमें उनके मंत्री शामिल रहे, जिसमें उनका राज्य तंत्र शामिल रहा, और मुखिया के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी एक बनती है। क्या इस बात से मोदी जी अपने आप को परे कर सकते हैं? एक मिनट, मैं इसको सीधा उत्तर देना चाहता हूं जी। 1100 लोग मारे गए, 200 लोग पुलिस की गोली से मरे जी। आज तक आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने लोग पुलिस की गोली से कभी नहीं मरे जी। लगभग 400 लोगों को सजा हो चुकी है, और फेमस बेस्ट बेकरी केस में जो गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मुंबई के कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रोल को लेकर 9-9 बार इन्वेस्टिगेशन हुआ है।
इतना आज तक किसी नेता के बारे में नहीं हुआ। नहीं मेरी बात सुनिए, आप लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहे। नहीं, मुद्दा यह है कि देखिए राजतंत्र वहां शामिल रहा, राजतंत्र में काम करने वाले कुछ लोग उस दंगे को आगे भड़काने में शामिल रहे। क्षमा करिए, तो फिर मैं भी कहूंगा कि जो एक मोदी जी के प्रति पूर्वाग्रह है वो आपके अंदर भी है। नहीं, आपके पूरे सवाल ने क्षमा करिए, अपनी रवि जी, नहीं नहीं देखिए रवि जी, यही सवाल आज अखिलेश यादव की सरकार के सामने भी हम उठाते हैं। हमने यही बातें उनसे भी साफ तौर पर कही कि उनके राजतंत्र ने सक्रिय भूमिका निभाई मुजफ्फरनगर में दंगे को भड़काने में, उस पर काबू करने में देरी हुई, ये उनकी सक्रिय भूमिका रही, नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है। मैं फिर भी जवाब दे रहा हूं, तो आप सुनिए तो सही जी। अगर गुजरात की सरकार ने पूरा रोकने की कोशिश की और आपने जो बात कही, तो अहमदाबाद के इसमें किसी ने डिनाई नहीं किया रवि जी, उन दंगों को कवर करने मैं भी गया था। आज आप मुझे बोल नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सवालों का जवाब नहीं आपके पास। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो सुनिए, चलिए सवाल करते तो मेरे सवाल का कोई जी जी। मैं फिर कह रहा हूं जी कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लोग कहते हैं कि वहां उन्होंने आर्मी नहीं बुलाई, 27 को राइड शुरू हुए, 1 को सुबह आर्मी पहुंच गई थी जी, वो फरवरी का महीना था, कहते हैं तीन दिन लेट कर दिया, जबकि फरवरी 28 को खत्म हो जाती है। ये सारे प्रायोजन रहे हैं, कहा गया कि मोदी ने कहा टिट फॉर टैट न्यूट्रल रॉ, पूछने कहा मोदी जी ने कब कहा, तो कभी कोई इंटरव्यू नहीं है। देखिए ये जो पूरे प्लस सुप्रीम कोर्ट के SIT ने कहा, और यही मोदी जी ने अहमदाबाद के बाद कहा कि उस दिन जितना हुआ था दुर्भाग्य, गुजरात के लोग पीड़ित हुए थे, तो वो माननीय शून्यता मैंने अपने अंदर महसूस की थी। मोदी जी ने काम किया, और क्षमा करिए आज मैं फिर कहता हूं जी, अगर 12 साल बाद खरी खरी में मेरे एक टिप्पणी पर अजय जी इतने विचलित हो गए, इसको एडिट मत करिएगा आप, कि आज आप पूरे डिबेट को मोदी पर ही ला रहे हैं और राइट पर ला रहे हैं, उनके गवर्नेंस के रिकॉर्ड को इग्नोर कर रहे हैं, उनको जनता ने 3 बार चुना है। रवि जी क्षमा करिए, आपको मेरी बात सुननी होगी, एक सेकंड रवि जी। दंगों को कवर करने के लिए मैं वहां खुद मौजूद था, जिस तरीके से राज्य प्रशासन ने वहां पर कानून व्यवस्था को बहाल करने में अपनी भूमिका सक्रिय तौर पर निभाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था। इस मामले में नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर कोई टिप्पणी अगर करता है तो कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं करता। अजय जी आज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अजय जी पहले क्यों नहीं बोलते थे, अजय जी हमेशा बोलते नहीं बोले, आप ये कह रहे हैं जी, नहीं नहीं बोले आप, मैं आपको देखता रहा हूं और मैं भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अजय जी ने आज जो ईमानदारी से स्वीकार किया है, ये अजय जी पहले स्वीकार करते तो ये घटना नहीं होती। ये बात मैं लगातार कहता आया हूं, मेरी तमाम रिपोर्टें इसकी गवाह हैं, मेरी तमाम रिपोर्टें इसकी गवाह हैं, इसलिए इसकी मुझे उसकी गवाही देने की जरूरत है। लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, मैं सिर्फ नैतिकता की बात रख रहा हूं। जिस तरीके से राजीव गांधी के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि दंगों को लेकर जो उनकी बातें सामने आई, नैतिक जिम्मेदारी थी, ठीक वैसी ही नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी बनती है, और ठीक वैसी ही नैतिक जिम्मेदारी अखिलेश यादव की बनती है। मैं सिर्फ इतना आपके सामने कहना, बिल्कुल आपने सही कहा, और उस नैतिक जिम्मेदारी का उन्होंने पूरा पालन किया, ईमानदारी से पालन किया, और उनकी स्वयं की भूमिका को लेकर जो सवाल उठे थे जी, तो उसको कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की SIT ने निरस्त किया, इसलिए यह विषय खत्म होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी, और देखिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, ये कौन सी सिकुलर पॉलिटिक्स है कि आज गुजरात में मुसलमानों की ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, अभी मानते हैं, और सबसे कम है बंगाल में, जहां 30 साल से वामपंथियों का शासन रहा है, 2 साल से चल रहा है जो सेकुलर शासन जी। तो इस देश की पूरी पॉलिटिक्स जो सेकुलर कम्युनल की है वो सुविधा की पॉलिटिक्स है। जैसे अभी आपने देखा मनमोहन सिंह विदाई समारोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कह दिया कि अगर मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री तो डिसास्टर होगा। क्या मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृपा से या जनता के आशीर्वाद से, ये होते कौन है मनमोहन सिंह? लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है? मनमोहन सिंह मुसलमानों के सामने मोदी का खौफ दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह पूरी देश की पॉलिटिक्स है, नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनका शासन उससे इतर है, उनकी ईमानदारी, उनका सुशासन, उनका ग्रोथ, इसीलिए देश उनकी ओर देख रहा है। चलिए अब एक बड़ा सवाल जो कि आपकी भावी सरकार के लिए, हो सकता है आप इसे बहुत ही हाइपोथेटिकल कहकर टाल दें, लेकिन हो सकता है अगर ऐसी संभावनाएं बनी कि आपको पूर्ण बहुमत न मिल पाए लोकसभा में, आपको सहयोग लेना पड़ेगा, आपके कुछ एक सहयोगी आज आपसे बिछड़ चुके हैं जैसा JDU बिहार में, बाकी अन्य सहयोगियों में बहुत ज्यादा तत्परता शायद न दिखाई दे क्योंकि ये सेक्युलरिज्म वर्सेस नॉन सेक्युलरिज्म वाला मसला आ जाएगा, कैसी तैयारी होगी आपकी और कौन कौन लोग आपके साथ आएंगे? देखिए पहली बात आपको बता दूं कि बिहार की बात, कि मैं बिहार से आता हूं जी, तो नीतीश कुमार जी नफरत की पॉलिटिक्स में हमसे अलग हुए हैं, 17 साल साथ थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश जनता क्या करेगी आप देखिएगा, वहां पर JDU की क्या हालत होगी चुनाव में आपको चुनाव बताएगा।
लेकिन जहां तक आपने बात कही तो अजय बाबू यह गणित का खेल है जी। अगर 130-135 पर हम रह गए तो जो हमारे साथ हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे जी। और जिस दिन हम 180-90 से आगे पहुंच गए तो उसी तरह से बारात चली आएगी जिस तरह 96 के बाद 98 में अटल जी के साथ में आई थी। तो जनता का मूड, भाजपा की संख्या जी। और भाजपा की बढ़त, इस पर देश की दो राजनीति चलती है, सेक्युलर कम्युनल, प्रो कांग्रेस एंटी कांग्रेस। हमारा मानना है कि जो देश में भी हवा चल रही है, तो जो राजनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने 272+ का जो गेम कहा है जी। मैं आपसे अजय बाबू इतना ही कह सकता हूं कि इसके चुनाव के नतीजे लोकसभा के आश्चर्यजनक होंगे, और इस बात को आप नोट करके देखिए, हमारे पक्ष में होंगे। मैं कोई संख्या नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपके जो प्रश्न आज हो रहे हैं वो सही में हाइपोथेटिकल लगेंगे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसका जवाब ना दे सकें। एक आखिरी सवाल इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, नरेंद्र मोदी जी को आप लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर सामने रख जरूर दिया है, इस फैसले को लेते समय 2002 के दंगों की छाप आप लोगों के पास हमेशा रही होगी, आपको लगता है कि ये मसला क्या इस चुनाव के साथ खत्म हो जाएगा, या ये 2002 का जो एक भूत है जो आप लोगों के पीछे चलता रहा है लगातार पिछले 10 सालों से, ये शाश्वत तौर पर बढ़ाया जाता रहे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, देश बहुत बदल चुका है दंगों से, मुसलमान भी इससे बहुत दूर चले गए हैं। बाकी क्योंकि आज हिंदुस्तान एक बहुत ही आश्वस्त देश है, आशा भरी निगाहों से आज अपने मुस्लिम समाज में भी बेरोजगारी है, कुछ शिक्षा है, अवसर का अभाव है, भ्रष्टाचार से, महंगाई से वो भी पीड़ित है। और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार रही, आपने देखा है, तो इससे वो आगे जाएंगे। और जहां तक इसके बारे में एक कैंपेन की बात है जी। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अब तो एसआईटी ने क्लियर कर दिया, इसलिए अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन हां, कुछ लोग जिनको नरेंद्र मोदी नहीं भाते और जिनको भाजपा नहीं भाती, वो 2002 का की खौफ पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी संख्या सिकुड़ रही है। और शायद अजय बाबू को फिर एक बार कहना पड़ेगा कि जो प्रचार किया गया था गुजरात के बारे में, मैंने गुजरात की जमीन पर वो नहीं देखा था। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।